बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल एंड वेलकम टू लाहौरी जायकावन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं लाहौरी जायकावन के किचन में बहुत ही मज़ेदार एंड क्विक इवनिंग स्नैक। बहुत आसान है बनाना, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इवनिंग स्नैक की रेसिपी के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें है एक बड़े साइज़ का आलू, इसको हमने उबाल लेना है, दो अदद अंडे ये भी उबले हुए, एक प्याज, एक लेज का पैकेट और चार ब्रेड स्लाइसेस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू को हम कद्दूकस करेंगे, इसका मैंने छिलका उतार लिया। उबालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर हम कद्दूकस करेंगे। तो फाइनली आलू कद्दूकस हो चुका है और अब हम कद्दूकस करेंगे अंडे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंडा मैंने यूज़ किया है एक अदद। तो फाइनली अंडे और आलू कद्दूकस हो चुके हैं और अब हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में अगर हम देखें तो एक टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स का, हाफ टी स्पून शामिल करेंगे काली मिर्च का, नमक शामिल करेंगे हसबे जायका। स्पाइसेस को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना। तो ये बिल्कुल मैंने लाइट स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं, अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रीन चिली बिल्कुल थोड़ी सी फाइन चॉप्ड, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो इसकी पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं या इसे फाइन चॉप करके शामिल करें। मायोनीज इसके हम शामिल करेंगे दो टीस्पून। टमाटो केचप का जाएगा एक टीस्पून। फ्लेवर के लिए बहुत ही शानदार बनेगा, आप देखिएगा ट्राई करके एक बार। हाफ लेज हम शामिल करेंगे इसमें। तो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से शामिल कर ली हैं मैंने और अब हमने इसको सिंपली मिक्स कर लेना ताकि जो मायोनीज़ है, मायोनीज़ और केचप अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। तो फाइनली माशाल्लाह बहुत ही शानदार अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसमें देख लेते हैं स्पाइसेस, नमक मिर्च, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। व्यूअर स्पाइस मुझे थोड़ा कम लगा है, इसमें मैं थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा। रेड चिली फ्लेक्स अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग आप जैसे चाहें रख सकते हैं। तो फाइनली स्टफिंग रेडी हो चुकी है और अब हम ब्रेड की रिमूव करेंगे एजेस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजेस को हम यूज़ करेंगे बाद में ब्रेड क्रम्स के लिए। तो फाइनली ब्रेड स्लाइसेस भी रेडी हो चुके हैं और अब हम स्टफिंग को अप्लाई करेंगे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर। थोड़ी सी मायोनीज अप्लाई कर लेंगे एक साइड पे। और दूसरी जो दूसरा स्लाइस है उसके ऊपर केचप। तो अब हम सिंपली लगा देंगे स्टफिंग। बहुत ही आसान है बनाना सैंडविच, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप इन्हें मॉर्निंग में, इवनिंग में बना के देख सकते हैं, बन भी बहुत आसानी से जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो अच्छी तरह से लगा लिया है स्टफिंग। थोड़ा सा रखेंगे प्याज, टमाटर के स्लाइसेस। तो अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे सैंडविच मेकर में, सैंडविच बनाएंगे इसके। अगर आप वैसे भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, सैंडविच मेकर में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही शानदार क्रिस्पी बनेगा। बस सैंडविच मेकर को अच्छी तरह से हम ग्रीसिंग कर लेंगे ऑयल के साथ ताकि जो निचली सतह है बहुत ही शानदार और क्रिस्पी बने। तो चलिए फिर रखते हैं सैंडविच मेकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दूसरा सैंडविच। अब हम थोड़ा सा लगा लेंगे देसी घी, इसमें मैंने शामिल किया है ड्राई पुदीना ताकि जो टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये जो मैंने अपर लेयर पे लगाया है देसी घी और पुदीना, इसे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो फाइनली पक चुके हैं, इसका जो इंडिकेटर है वो बंद हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही शानदार, सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की बहुत ही आसान रेसिपी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी को फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं मिलता हूँ किसी और मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।